सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको ढाई मीटर फैब्रिक में फुल पटियाला सलवार की कटिंग करना बताऊंगी। जे हम आठ कलियों वाली जिनके आठ कुंदों वाली कट करेंगे। उससे पहले हम इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको सलवार कट करना बताऊंगी। जो टोटल लेंथ है मेरे पास वो 37 इंच है। 37 इंच में हम 5 इंच बेल्ट कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 32 इंच। आगे हम 32 इंच में 1 इंच ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 33 इंच। अब जो हम अपने सलवार के पार्ट्स कुंदे कट करेंगे वो हम 33 इंच के कट करेंगे और मूरी है हमारे पास 6 इंच। अब जो बेल्ट है हमारे पास 20 इंच है। इस तरह से चौड़ाई में 20 इंच है और लंबाई में जी 5 इंच है। आसन हमारा 9 इंच तैयार है। अब इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको कटिंग करना पड़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बेल्ट थी वो मैंने कमीज़ के साथ की, जो कपड़ा बचा था उसमें से पहले ही कट कर ली है। जी देखिए, हाफ हाफ इंच हमने दोनों साइड छोड़ते हुए 20 इंच बेल्ट कट कर ली है इस तरह से। और ऐसे जी 8 इंच है तैयार होने के बाद, जे 5 इंच रह जाएगी। अब हम कटिंग करते हैं सलवार की। उसके लिए जहाँ से हम मैंने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर कर रख लिया है, जहाँ से हमारी ओपन साइड है और जहाँ से हमारी क्लोज साइड है। जहाँ से हमारी ओपन साइड होगी, जहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे 33 इंच, अब जहाँ पर भी हम 33 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि जहाँ से हम पार्ट्स कट करेंगे सलवार के, जी हम जो हमारी ओपन साइड है फैब्रिक की, जहाँ पर से ही लेंथ का निशान लगाएंगे और जहाँ पर हम 13 इंच चौड़े पार्ट्स कट करेंगे, जहाँ से भी हम 13-13 इंच का निशान लगा लेंगे। अब जहाँ से हम इसे कट कर देंगे, अब उसके बाद हम जहाँ से जो फैब्रिक बचा है ऊपर ये वाला, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है। अब जहाँ से लेंथ का निशान लगाएंगे 33 इंच, देखिए इस तरह से। अब जहाँ से हम मूरी का निशान लगाएंगे 1.5 इंच, जहाँ से हम कुंदे कट कर रहे हैं सलवार के, और जहाँ से हम इस तरह से उल्टे निशान लगाएंगे, जहाँ पर सबसे पहले लेंथ का निशान आएगा, जहाँ से हमारा 33 इंच, और 1.5 इंच की जहाँ से हमारा मूरी आएगी, अब इसे इस तरह से हम दूसरे निशान के साथ तैसा मैच करते हुए निशान लगाएंगे। अब जहाँ से इन निशानों के ऊपर ही हम इसे कट कर देंगे। अब इसे हम इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे जहाँ पर ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसके ऊपर रख लिया है। अब जहाँ से जो हमने कपड़ा पहले फोल्ड किया था, जहाँ से हम आसन कट करेंगे, आसन हमारा 9 इंच है तो हम 10 इंच की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से, जहाँ से इस तरह से निशान लगा लेंगे
अब इसे हम इस तरह से तिरछा मैच करते हुए निशान लगाएंगे। अब इसकी ऊपरी हम इसे कट करेंगे। ऐसे जो हमारे 8 कुंदों की कटिंग होगी। आप चाहो जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है इसे कट भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे कट नहीं करूँगी। इसको हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। जहाँ से जी आप कपड़ा कट भी कर सकते हो फ्रेंड, जहाँ से इस तरह से इसे कट कर सकती हूँ, लेकिन मैं जहाँ से कट नहीं करूँगी, मैं इसी तरह से इसके ऊपर स्टिच लगा दूँगी। अब जो जहाँ से हमारी वन साइड है इसे भी हम कट करेंगे। कट करके इसे भी अलग अलग कर लेंगे। और ऐसे जी हमारी सलवार की, यानी कि 8 कलियों वाली सलवार, कुंदों वाली सलवार की कटिंग हो चुकी है। और ये रहे हमारे सलवार के पार्ट्स, और ये रही बेल्ट इसकी। अगर आपको मेरी कटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरी कटिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।